वक्त के आगे ना कोई हारा है ना कोई जीता है, वक्त के आगे ना कोई चल पाया है ना कोई टिक पाया है। वक्त जिस तेज रफ्तार से भागता है, सच में इसके आगे भागना नामुमकिन है। वक्त ने जो सीख दिया है उससे हर कोई सीखता ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वक्त ऐसा था जब कादर खान के नाम का डंका बजता था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो बॉलीवुड से दूर, हर किसी से दूर, अपने परिवार से भी दूर हो गए। जी हाँ, हाल ही में ये खबर आई कि कादर खान के बेटे सरफराज खान तक अपने पिता का चेहरा, उनकी आखिरी झलक तक नहीं देख पाए। बेटे सरफराज को नसीब नहीं हुई पिता कादर खान की आखिरी झलक। परिवार के बिना ही कोमा में दर्द और तकलीफ को झेलते झेलते कादर ने सबसे विदाई ले ली। इस बारे में खबर देने वाले कोई और नहीं बल्कि कादर खान के बेटे सरफराज खान ही थे जिन्होंने मंगलवार के दिन इस बारे में सबको जानकारी दी। वहीं आपको बता दें, ये भी मालूम हुआ कि 16 से 17 हफ्ते तक कादर खान बीमारी की वजह से जिंदगी की जंग में कनाडा के टोरंटो में अस्पताल में ही रह रहे थे और वहीं अपना इलाज करा रहे थे। फाइनेंशियल तौर पर सुरक्षित रहने वाले कादर खान को अगर किसी बात की कमी थी तो वहां लोगों की मौजूदगी की, उन दोस्तों की जिन्होंने बॉलीवुड में यारी निभाई, लेकिन तकलीफ के समय अकेले रह गए। बॉलीवुड के वो कलाकार जिन्होंने बॉलीवुड को ना जाने कितने हिट फिल्मों की लाइन लगा कर दी, ना जाने किस तरह से डायलॉग के जरिए हर किसी को अपना बनाया, लेकिन अपना लोगों ने नहीं माना तब जब उन्हें थी सबकी ज़रूरत, सबकी दुआओं की ज़रूरत, सबकी एक झलक की ज़रूरत, एक मुलाकात की ज़रूरत। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।